हे गाइस, मैं सोनू। दोस्तों, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरानगर हवेली दमन में बहुत सारी वैकेंसी आई है। दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 11/12/2023 को ये रिलीज हुई है। रोगी कल्याण समिति हमारी गवर्निंग बॉडी ने वैकेंसी जारी की है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, सी विनोवा सिविल हॉस्पिटल की। दोस्तों, ये आपको 26/12/2023 से पहले आपको ये भेजनी है, फॉरवर्ड करनी, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। रेडियोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है, 45 उसके नीचे होना चाहिए। क्वालिफिकेशन ये मांगी हुई है 2,50,000 से 3,00,000 सैलरी एज पर एक्सपीरियंस एंड डिग्री क्वालिफिकेशन बेस पे आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड होगा। उस होगा सीनियर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की एक पोस्ट है, 35 और उसके नीचे होना चाहिए, दोनों मैडेटरी है। 55,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों, इसके बाद में है ना, देखिए ये हो गया। तो फिर कंप्यूटर इंजीनियर की एक पोस्ट है, 30 और उसके नीचे होना चाहिए, दोनों मैडेटरी है क्वालिफिकेशन में, 23,000 सैलरी रहेगी। बायोमेडिकल इंजीनियर की एक पोस्ट है, 30 और उसके नीचे होना चाहिए, भी ये क्वालिफिकेशन होगा तो, और ये सैलरी रहेगी 22,050 रुपीज़ सैलरी रहेगी। कंप्यूटर असिस्टेंट की तीन पोस्ट है, 27 और उसके नीचे होना चाहिए, तीनों चारों मैडेटरी है, 12,012 रुपीज़ रहेगी आपकी। दोस्तों, इसके बाद में है ना, मल्टी टास्किंग स्टाफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड वन डेली बेसिस की है, दो दो अलग अलग सेपरेट है, 30 और उसके नीचे होना चाहिए, दोनों मैंडेटरी है क्वालिफिकेशन में, 11,466 सैलरी रहेगी। ये सिक्योरिटी गार्ड की है, डेली बेसिस पे है, एक पोस्ट है, 30 और उसके नीचे होना चाहिए, एक एक क्वालिफिकेशन में, एक मैंडेटरी है, एक डिज़ायरेबल ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, 11,466 ये हमारी सैलरी रहेगी। दोस्तों, इसके बाद में है ना, नीचे दिए गए फॉर्म भर के फॉरवर्ड करनी ये एड्रेस पे। इसके बाद में एक फोटोकॉपी रखना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, और एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का रखिएगा, अटैच करना है इसमें। बाकी रूल रेगुलेशन और सैलरी वैलरी आपको सब आपको ये डिपार्टमेंट पे ऑनलाइन साइट पे चेक करना है। एप्लीकेंट फॉर्म डिपेंट ये लोग निकाल देंगे, डिपार्टमेंट पर राइट है, बिना कोई रीज़न का ये लोग निकाल सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं वैकेंसी को। जो भी क्वेरी है यहाँ पे फोन करके पूछ सकते हैं और ये साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में है ना, इसके बाद में फोटो लगानी है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो फोटो फोन वो जिस उस पोस्ट का नाम, आपका नेम, ब्लॉक लेटर, मेरे फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ गूगल से कैलकुलेट करके, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी क्या है, डोमिसाइल है या नहीं, लैंग्वेज क्या जानते हो या नहीं। दोस्तों, इसके बाद एजुकेशन पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन बताइए और वर्क एक्सपीरियंस बताइए। इसके बाद में ये डिक्लेरेशन एंड डिविडेंड होगा तो ये लोग निकाल देंगे, जिस डेट से भरे हो, आपकी प्लेस और आपकी सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। अटेस्टेड रिलेवेंट कॉपी और डॉक्यूमेंट अटैच करनी है, और आपकी अनसाइंड इनकम्प्लीट फॉर्म आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे मेंशन किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए फॉर्म भर के आपको यहाँ पे फॉर्म भरनी है, और दिए गए टाइम से पहले नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। इसका कब कहाँ इंटरव्यू होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, इसके रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है सब मैं ही अपडेट देता हूँ। तो मेरे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।